जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन बिहार में चौंकाने वाला तेजस्वी यादव जी रिजल्ट देंगे। लेकिन भाजपा 400 पार का बोल रहा है। देखिए ये सब भाजपा का साजिश है कि जनता को ये माइंड में सेट कर देना चाहता है कि मैं सरकार में तो आ रहा हूँ लेकिन 400 पार करने के लिए। सच्चाई ये बताऊं आपको कि भाजपा सरकार तो छोड़िए बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी कहाँ जाएंगे? जहाँ घर है वहाँ जाएंगे। जहाँ घर है वहाँ जाएंगे। 400 पार हैट्रिक पार प्रधानमंत्री। ये सब अनबेरा है। ये सब अनबेरा है। अनबेरा है। अनबेरा है। झूठों को मुठ्ठों जो समझ में आया बोल दिया हवा में। अब उसी पर जो है ईवीएम का चोरी होगा। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं मोदी जी। 2 करोड़ रोजगार मिला है युवा को। महंगाई चरम सीमा पर है। युवा लोग भटक रहे हैं, ठोकरे डर डर खा रहे हैं। अभी समय आ गया है 2024। अच्छे से जो है मोदी जी को बताने का काम करेगा युवा लोग। एक फेज का नॉमिनेशन समाप्त हो गया है बिहार में, लेकिन क्या लगता है देश में किसकी सरकार आएगी? उधर भाजपा लगातार 400 पार पर बयान दे रही है। हमारे साथ कई लोग हैं बिहार के जनता, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार महागठबंधन की सरकार है में सभी लोग जो है बिहार के 40 सीट जीतने का काम करेंगे। और आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन बिहार में चौंकाने वाला तेजस्वी यादव जी रिजल्ट देंगे। चौंकाने वाला रिजल्ट। चौंकाने वाले बिहार के 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। 40 के 40। लेकिन भाजपा 400 पार का बोल रहा है। देखिए ये सब भाजपा का साजिश है कि जनता को ये माइंड में सेट कर देना चाहता है कि मैं सरकार में तो आ रहा हूँ लेकिन 400 पार करने के लिए। सच्चाई ये बताऊं आपको कि भाजपा सरकार तो छोड़िए बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में 40 का 40 सीट महागठबंधन की सरकार जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रही है। और आपको बता दे पूरे देश में 375 के पार जो है महागठबंधन जाने वाली है। 375 के पार। और बीजेपी 100 सीट पर जाकर सिमट जाएगी। तो मोदी जी फिर कहाँ जाएंगे? मोदी जी का 10 साल मिला ना, 10 साल में कितने युवाओं को रोजगार मिला है? 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं मोदी जी। 2 करोड़ रोजगार मिला है युवा को। महंगाई चरम सीमा पर है। युवा लोग भटक रहे हैं, ठोकरे डर डर खा रहे हैं। अभी समय आ गया है 2024। अच्छे से जो है मोदी जी को बताने का काम करेगा युवा लोग कि जो है कि बिहार से फेंकते हुए डायरेक्ट गुजरात उनको जाकर सीमित कर देगा। गुजरात फेंक देगा। चलिए, क्या नाम हुआ? हिमांशु यादव। यादव जी हैं जी। भाई यादव जी की यहाँ क्या बात है? हमारी पार्टी तो A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी। जी बिल्कुल। क्या नाम है? अरुण कुमार। क्या होगा 24 में? 2024 चुनाव में लोकसभा में हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो युवा लोग के लिए एक प्रेरणादायक हैं, क्योंकि 17 महीने बाद 17 साल का जो चुनाव में मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा सबसे ज़्यादा रहने वाला है। जो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने जो 2 लाख टीचर में वैकेंसी दिए थे और रोजगार युवाओं को जो दिए थे, इस चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी का। युवा हैं, युवा लोग जो हैं तेजस्वी जी के साथ हैं। और लोकसभा में 40 में से 40 लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल INDA की गठबंधन की सरकार में जो कि आएगी 40 की 40। हाँ, 40 बिहार में। क्यों? गर्दा उड़ा देंगे आप। हाँ, गर्दा एकदम पूरा गर्दा रहेगा। युवा लोग एकदम पूरा देश में बिहार, जब भी कोई भी आंदोलन का शुरुआत हुआ है तो बिहार से ही। जिस प्रकार से JP आंदोलन का शुरुआत हुआ है उसी प्रकार से बिहार के युवा लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर रोजगार का मुद्दा उठाएगी और तेजस्वी जी के साथ रहेगी। तेजस्वी जी के साथ एकदम साथ रहेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। 40 का 40 सीट लोकसभा का INDA की गठबंधन की सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा है 17 महीना बाद 17 साल, जो कि 17 महीने में हमारे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने जो कि 5 लाख युवाओं का रोजगार देने का वादा किया, जिसमें 17 महीने में 2.5 लाख रोजगार भी उपलब्ध कराए हमारे बिहार के युवाओं को। इसलिए तेजस्वी यादव जी जो हमारे माननीय नेता हैं, वो महाराज कहा गया, अब देश गुलाम होगा तो आजाद देश नहीं कराइएगा। देश अब गुलाम होगा तो आजाद नहीं। क्यों डरते हैं? हम बदलाव होगा। बदलाव तो जनता मालिक है। जनता ने जो फैसला किए करेंगे वो मानेंगे। और जनता का अमरीवार मूड दूसरा है। हवा
बदल चुका है। अब मोदी जी जो चाह रहे हैं जो 40 का 40 हम सीट लेंगे उनका वो उनका माने टाई टाई फीस हो जाएगा। किसका? मोदी जी का। और मन बनाए हुए हैं जरूर वो ईवीएम का घोटाला करेंगे, इसीलिए वो फाइनल बता रहे हैं कि जो हमको 400 सीट मिलने जा रहा है। और कहीं ना कहीं करिश्मा वो करेंगे मोदी जी, समझे? और इसी का डर है। और जो है जनता को ये गुमराह कर रहे हैं कि जो हमारा 400 सीट माने होने जा रहा है। आज वो और मीडिया को भी उद्भ्रमित कर रहे हैं। और ऐसा कहीं नहीं है, जनता अमरी बार तमाचा मारेगी, जनता उनको खदेड़ कर विदेश का रास्ता दिखाएगा। जैसे कि अंग्रेजों ने आया था यहाँ एक लाठी बाबा, गांधी बाबा क्या किए लाठी से, क्या किए कि जब उनका नीति खराब हुआ तो क्या किए कि उस समुंदर उस पार फेंक दिए। उसी तरह आज का जो माहौल बना है मोदी जी को फेंक देंगे उखाड़ कर, और उनका कहीं पता नहीं रहेगा मोदी जी। 400 पार नहीं होगा, 400 पार 100 पार नहीं होगा। वो किस धुन में है? थोड़ा उत्तर प्रदेश में हमको उम्मीद लग रही है कि जो हिंदू मुसलमान करके हिंदू पाकिस्तान हिंदुस्तान करके ये सब क्या करेंगे कि जब वोट का पोलराइज करेंगे, इसके बाद कहीं उनका कहीं गुजारा नहीं है। बंगाल से भी चैट आएगा, बिहार से भी चैट आएगा, उनका जो घर है गिरी जिला वहाँ से भी उसे चहटाने जा रहा है। आज देखिए पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। हम गांधी बाबा क्या किए थे कि लाठी से अंग्रेज को भगाए थे, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से पैसा का वो नॉमिनेशन फाइट कर रहे हैं। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। जनता का पैसा दुरुपयोग, जनता लेगी हिसाब 24 और जनता हिसाब लेगी। जनता उनका मुंह पर तमाचा मारेगी, समझे? और बदलाव होगा। ये भूल जाइए कि जो हाँ ये 400 हाँ 400 सीट कब होगा, वो चोरी करेंगे। वो चोर है। और कौन चोर है? मोदी जी चोरी करावेंगे और ईवीएम का घोटाला करेंगे मोदी जी। हाँ तब वो कह रहा है ईवीएम घोटाला भी होता है जी। ईवीएम घोटाला तो होवे करता होता है। कने वोटवा दे वो महागठबंधन में या फिर मोदी जी के एनडीए? महागठबंधन में देंगे कि महागठबंधन में बदलाव होगा? बदलाव होगा। क्या नाम हुआ? डॉक्टर हृदयानंद यादव। 24 में क्या होगा? 24 में महागठबंधन का सरकार बनेगा। महागठबंधन का? लेकिन यह है कि बैलेट पेपर से मोदी जी चुनाव कराएंगे तो 400 से पार महागठबंधन चला जाएगा। उसी बैलेट से करवाएंगे तो बैलेट पेपर से उसी में वो लोग गुणा गणित करके लोगों को हरवा देता है। हैकिंग होता है एनडीए वाले। हाँ एनडीए महागठबंधन को हरवा देता है। हरवा देता है, हैकिंग करता है। बदलाव होगा। देखिए बताइए उसका फोटो लीजिए। बिहार हमारा है, नीतीश कुमार का प्रचार गाड़ी जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है पूरा बिहार जा रहा है। वैसा वैसा 400 गाड़ी है नीतीश जी के पास। मोदी जी के पास 800 गाड़ी निकल चुकी है। वो वीडियो लगा, वो कहाँ का पैसा है? तो बदलाव हो पैसा जर बदलाव हो। सब जनता समझ रही है कि जय कहाँ से चोरबा सब पैसा लाया है। तो इस बार बदलाव होगा जी। बदलाव होगा। राजद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है छोटू पान। कहाँ जाएंगे मोदी जी? मोदी कहाँ जाएंगे? जहाँ घर है वहाँ जाएंगे। हाँ जहाँ घर है वहाँ जाएंगे। 400 पार हैट्रिक पार प्रधानमंत्री। ये सब अनबेरा है। ये सब अनबेरा है। अनबेरा है। अनबेरा है। झूठों को मुठ्ठों जो समझ में आया बोल दिया हवा में। और उसी पर जो है ईवीएम का चोरी होगा। हवा बना के ईवीएम का चोरी। अच्छा और कुछ नहीं होगा तो बदलाव हो जाएगा। बदलाव होने है। युवा साथ है। युवा का रोजगार मिला। युवा का ही नहीं दौड़ रहा, देख रहे हैं। जन विश्वास यात्रा चला। क्या देखें आप? तो देखें ना, आप मीडिया वाले हैं, आप तो घूम के देखें कितना हुजूम था। वो हुजूम इस बार देखने को मिल जाएगा लोकसभा चुनाव एकदम बिल्कुल। आप कन्फर्म रहिए। चलिए तो बदलाव होगा। मोदी जी की टाइम टाइम फीस हो जाएगी ऐसा जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। बहरहाल क्या लगता है जो 400 पार भाजपा कर रही है 400 पार सच में होगा ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।